शर्मा जी, आपका कोई भगवान अमेरिका में क्यों अवतार नहीं लिया? कुछ भी एक भी बार तो ले ले, अभी तो ले ले, फिलहाल में एक सर तो दोबारा भगवान से होता बोल जो रहे हैं। आपका अमेरिका में अवतार लेता। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो आपने आज का टॉपिक रखा है कि मतलब भारत को गुलाम बनाने में किन लोगों का हाथ है, तो मतलब उसमें खाली ब्राह्मण का ही हाथ है क्या? मतलब आपने या पढ़ा, मतलब आपने देखा ब्राह्मण क्या वीडियो देखा आपने? नहीं, वीडियो नहीं देखा मैंने, मैं अभी अभी आया हूँ। फिर कैसे कैसे पता चलेगा? तो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे का आप दिया उसके पूरा ऊपर। देख हाँ लीजिए ना, आप पूरा देख के फिर उस पर डिस्कस कीजिए। मैं जस्ट अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। तो फिर कैसे कैसे डायरेक्ट कैसे करेंगे कि मतलब डायरेक्ट ही आके अच्छा ब्लेम लगा दोगे भाई? हेलो हेलो सर, संदीप संदीप जी। हाँ हाँ हेलो सर, हाँ सर आप हाँ ब्राह्मण है क्या? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा सुथार वाले हैं कि ब्राह्मण वाले हैं? शर्मा क्या? अरे में आपका पति है ना? हेलो, हेलो हेलो, आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ, बोलिए बोलिए, जा रही सर आवाज, बोलिए अतुल जी, बोलिए। जी जी संदीप जी, बताएं आप क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो आप बातें बता रहे हो, इनका आज 21वीं सदी में क्या रेलिवेंस कैन बातों का? किस चीज का? तो यही कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अभी आपको पता नहीं था वहाँ अमेरिका में एक गूगल का क्या हो रहा है, मिनट वो सर, एक सुंदर मिनट। पिचाई क्या कर रहा है, अभी पता नहीं आपको? आपको क्या लगता है ये चीजें खाली भारत में थी? पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही सिस्टम था। फ्यूडलिज्म अरे जो भाई है यूरोप सिस्टम, यूरोप में भी था भाई, यूरोप में भी फ्यूडलिज्म हर लेकिन जगह था, हर अरे जगह। यूएसए में तो अभी आया है ना काफी। यूके में मैं तो कह रहा हूँ 2008 में फ्यूडलिज्म, रूल बना है, अरे भेदभाव भाई, पूरी यूएसए दुनिया में में तो अभी इंग्लैंड चल रहा है फ्रांस हर ना। जगह था। शर्मा जी, आपको क्या लगता है हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या आप ब्राह्मणों का सर विरोध वही कर रहे हैं? ब्राह्मणों को केंद्र पुरानी बिंदु में रख रहे हैं? बातें कर रहे हैं जिनका मतलब ही नहीं। नहीं, सुनिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं जो ने के आपके ये ग्रंथ है, ईश्वर है, परमात्मा आत्मा, उसके जो एजेंट और भड़वे और दलाल बैठे हैं ना, उनका विरोध करते हैं। आपको क्यों मिर्ची लगती है इस बात की? आप मतलब उसमें धर्म से का विरोध नहीं होकर, करते ना आप? धर्म का विरोध नहीं करते, आप एजेंट का विरोध अरे करते हैं, उसमें विरोध करते हैं। हाँ, धर्म एक गुणवाचक शब्द है, आपको नहीं समझता? ये धर्म है क्या? मतलब इंडिया में आपको धर्म हिंदू, नाम के, मतलब आपको इंडिया हिंदू धर्म में से कोई प्रॉब्लम नहीं? हिंदू धर्म नाम की कोई चीज है आप भारत में? अरे जो भी है, मतलब आपको हिंदू वैदिक हिंदू संस्कृति से नाम कोई की कोई प्रॉब्लम नहीं है चीज, ना? वैदिक धर्म क्या है ये? जो वैदिक भी है धर्म के आपको, कोई मतलब इससे प्रॉब्लम प्रमाण नहीं नहीं है? मिलते आपने अभी हैं बोला, आपने वैदिक अभी बोला धर्म आपको का? एजेंट से प्रॉब्लम है। ओ जी शर्मा जी, वैदिक धर्म का प्रमाण दीजिए ना हमें, कहाँ है? 2500 साल पहले कहाँ आप ठहरते थे? क्यों नहीं है? ऋग्वेद नहीं है क्या? तो 2500 साल पुराना है। वाह जी और वाह, क्या? वाह जी वाह। उसकी भाषा लिपि क्या थी भाई साहब? संस्कृत? अच्छा, संस्कृत का क्या प्रमाण मिलता है सर जी आपका 2500 साल पहले? वेद? अरे तो वेद को, अरे लिपि, लिपि समझती है क्या आपको लिपि? हाँ, जो भाषा लिखी है उसमें। अरे जैसे आपने आज की हिंदी की देवनागरी लिपि है और इंग्लिश की रोमन लिपि है, तो संस्कृत की लिपि कौन सी थी भाई साहब? ये नहीं मालूम, तो ये नहीं नहीं मालूम है तो फिर कहाँ पता। से वेद के ऊपर से टपक गया? नहीं, लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पर वो था, तो कौन सी पुराना है वो। भाषा में लिपि में लिखा गया मेरे भाई? कोई तो होगी ना उसकी लिपि, तो होना चाहिए कि बस मुंह में आया, बक दिया और हो गया सबूत। भाई बात ऐसी, आप ना थोड़ा ए, बात सही तरह करिए। अरे क्या, मैं तो भाई साहब बोला, क्या बोला, गलत बोला मैंने आपको? भाई साहब बोला, क्या बोला, गाली दिया? नहीं, आप थोड़ा शर्मा गुस्से जी बात कर बोला, रहे हैं। शर्मा पता जी, शर्मा जी गुस्सा, बोला। पता गुस्सा मेरे को भी बहुत आता, पता ऐसा क्यों लग रहा है गुस्सा? अच्छा एक काम करो, आप चेहरा दिखा के आओ, मैं चेहरा दिखा के आता, है। चलो आ जाओ। फिर पता चलेगा गुस्सा कौन कर रहा है करके। अरे गुस्सा सबको आता भाई, थोड़ा लिहाज से बात करो। शर्मा जी, थोड़ा सा चेहरा दिखा के आओ, मुखड़ा दिखा के आओ, मैं आता, फिर पता चल जाएगा आमने सामने कौन गुस्सा कर रहा है करके। नहीं, तो शादी करना है क्या? हिम्मत है क्या अरे चेरी आपकी, की, एक शर्मा हिम्मत जी यार, है? एक कहाँ अटक गए यार, आदमी शादी करोगे?
अरे मैं मजाक मजाक आप तो मजाक बना दिए यार। और वो भी एक बुड्ढे, वो भी बुड्ढे आदमी से, 50 साल की उम्र के आदमी से। अरे भाई 50 साल है भाई। मजाक मजाक किया, मजाक मजाक किया, बढ़िया। अरे यार ए नहीं नहीं शर्मा जी ये गलत है यार। देखो अरे सर मजाक, एक बात तो पहले, एक बात तो मैं सबको बता दूं, पहले एक बात ध्यान रखें भैया, ये शादी करवाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लीज। तो यहाँ पर आप शादी वादी की बात ना करें, और अगर आप गे हैं तो फिर वो चीज आपको वहां लेके जाएं, यहाँ पे प्लीज ना करें। अरे सर गे में नहीं हूँ। नहीं ना, आपने देवी सर, देवी सर सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे देवी सर यहाँ बैठे हैं, और आपने इन्होंने क्या कहा, शादी करोगे क्या, मतलब क्या हो गया समझो, यहाँ पे शादी का भी बात। अरे मैंने मैंने बोला कोई मतलब के देख के रखा है क्या ऐसे, मतलब शक्ल दिखा गया। नहीं नहीं आपने ऐसा नहीं कहा, आपने ऐसा सवाल का जवाब दिया कि भाई आप बोल रहे हो गुस्से में बात। सर आप जवाब दीजिए सर, शादी वाले मैटर में आप जवाब दीजिए। नहीं नहीं शर्मा जी देखिए, असल में होता क्या है ना कि आपको अभी सच्चाई का पता नहीं है, इसीलिए ना आप क्रोधावेश में आ जाते हैं, बात ये सर। तो सच्चाई आप, आपको भी नहीं सच्चाई पता, कहां पता? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने इतिहास का अध्ययन किया हुआ है, आप ऐसा नहीं सोचिए। आपने पर बायसनेस के साथ इतिहास का वो नहीं नहीं बायसनेस के, अरे ऐसी बात नहीं है यार, मैं बहुत बड़ा टुन्नी था, आपको तो पता नहीं है, मैंने श्मशान साधना तक करी है, चारों वेदों का कम से कम 8 8 वर्षन मैंने पढ़ा है जी, 17 18 पुराण जो, जी हाँ सब कुछ मैंने पढ़ करके, और उसका बाद जा करके मैं अब गाली देता हूँ यही देवी देवताओं को, जिसके ऊपर मैंने सब कुछ अपना सौंप रखा था। इसका मतलब है, इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है तभी। नहीं 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 आप कैसे जजमेंट कर, देवी सर, आप कैसे जजमेंट कर सकते हो सर, सर, नहीं 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 पहले सर सर यहाँ पर ये डायरेक्ट कह रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे कि आपने पढ़ा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं नहीं आपको मैं खुद बताता हूँ, मैं आपको खुद बताता हूँ वेद किस भाषा में, पहले आप बताइए कि किस भाषा में लिखी हुई है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, आपको मैं बता दूं, भारत की सबसे प्राचीन भाषा का नाम बताइए। संस्कृत। बिल्कुल गलत। संस्कृत शब्द जो है ना, वो शब्द से ही पता चलता है कि कोई विकृत चीज को इसमें संस्कारित किया गया है, इसीलिए संस्कृत है, समझ गए? अरे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो उससे पहले की कौन भाषा, अरे गलत है यार, गलत है, अगर ये सर्वश्रेष्ठ होता तो पूरा विश्व एडॉप्ट करता इसको, क्यों इसको तो छोड़ दिया? अमेरिका, अरे यार अमेरिका, अमेरिका का नहीं नाम लो, देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बोले बोले। जब अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे ना सर, तो इन लोगों की आदत थी कि वो शासन से जुड़ जाते थे और अपना थेसिस शुरू कर देते थे, अंग्रेज इस सब बात पर यकीन नहीं करते थे, और अंग्रेज जहां कहीं भी आक्रमण करते थे तो वहां की संस्कृति और सभ्यता को वो अपना चश्मा से देखते थे, और जब ये अपना गपोड़ देते थे तो उन लोग का दिमाग में नहीं अटता था, और यही कारण था कि उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को बुला करके लाया कि नहीं यहाँ का वास्तविक संस्कृति क्या है उसकी जांच करिए, तो ये लोग उस संस्कृति को बताने के लिए अपना पूरा गपोड़ शास्त्र जितना था, वेद है, महाभारत है, पुराण है, रामायण है, ये सब उन लोग को सौंपा, ये लोग उसको लेकर के इंग्लैंड गए, उसके बाद इसका भाषा को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत के भी कुछ आचार्य लेकर के गए, अब उसका चलते इन लोग बाद में फैलाने लग गया, देखे हमारे वेद पर अब तो वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, अरे वो लोग तो हमारी संस्कृति को जानने के लिए लेकर के गए थे, और बाद में उन्होंने ये लिख करके वापस किया कि दिस इज माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का मतलब मिथक होता है, सत्य नहीं। अरे सर वो दर्शन है, फिलोसफी, वो दर्शन नहीं है, अरे यार उसमें दर्शन नहीं है, फिलोसफी क्या चीज होता है पता है, वो नास्तिक लोग ही फिलोसफी देते हैं, कोई आस्तिक फिलोसफी नहीं देते, तब फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो मन की आपको फिलोसफी नास्तिक, दिस इज नॉट फिलोसफी, दिस इज नॉट फिलोसफी। अभी जितनी भारत सरकार के द्वारा जितनी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, एक मिनट उसमें जो बोला जाता है नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन, उनको जाके बोलिए, फिर आप सरकार को बोलिए आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन कैसे लेंगे, हटा के दिखाओ, वो हट जाएगा, चिंता ना करो, हमारे समाज को सिर्फ जागने तो दो, अब सिर्फ जरा से जागना शुरू कर दिया तो खुजली शुरू हो गई यार आप लोगों को, अभी पूर्ण रूप से जागने तो दो, हम जाग चुके हैं यार, तभी तो आपको बता रहा हूँ,
तभी तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं कोई भूत नहीं है, अगर कोई भगवान है, और अगर कोई दुष्ट इस तरह का फैला रहा है समाज में तो वो सिर्फ अपने प्रपंच को फैलाने के लिए। सबसे पहले आप स्वयं देखिए कि आप इस धरती पर, सुनो मैं बता रहा हूं, आप जब इस धरती पर कदम रखे थे तो क्या आप हिंदू बन के कदम रखे थे या मुसलमान बन के रखे थे या एक इंसान का बच्चा समझ के रखे थे? इंसान, आपको एक इंसान समझे थे, लेकिन आपको किसी ने तो ये तमगा लगाया ना कि नहीं तुम हिंदू हो, या तुम, अब जब हिंदू का अर्थ मालूम चल गया कि इसका मतलब काले लोग होते हैं, गुलाम लोग होते हैं, चोर होता है, समझे? जी हाँ, ये होता है। आप ही डिक्शनरी उठाओ यार, अगर फारसी का अध्ययन करना है तो, इसीलिए इतिहास का जानकारी नहीं रखने पर ना इसी तरह का हो जाता है, अचानक गुस्सा लग जाता है कोई, अगर कोई अपना पढ़ लिख करके अगर कोई बात तो रखता है। आपने इतना कुछ पढ़ रखा है, मैं अभी कुछ पूछ लूंगा, बता नहीं पाओगे। आप बताओ ना, पूछो, बता दो, पूछो, आप क्या पूछना? हाँ आप बोलो ना यार, मैं उत्तर दूंगा। आप कह रहे हो आपने 8 दर्शनों का अध्ययन कर लिए, जी अभी आपने बोला ना बात, ये बोला है, बोलो। अच्छा शर्मा जी, आप बताएं, आप यहाँ डिस्कस के लिए आए हैं, आप डिफेंड करने आए हैं? अरे शर्मा जी, आप दर्शन तो बताओ कौन से है? शादी करने आए शर्मा जी, रवि जी। ओ शर्मा जी, 8 दर्शन बताइए कौन से है, नाम लीजिए, गूगल मत कीजिए। और शर्मा जी, आपको एक बात बता दूं, धार्मिक पुस्तकें है ना, ये भ्रम का पुलंदा मात्र है, इसमें दर्शन नाम का तो बोल दिए, देयर इज नथिंग। जी हमको बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि मैंने अध्ययन कर लिया ना, और आपने अध्ययन नहीं किया है। आपको अध्ययन नहीं किया, आपको पैसा मिला है बस। अरे मुझको किसी ने पैसे दिए? मुझको एक मिनट, शर्मा जी जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो ना, वो आप जैसे नौकरी पे नौकर भी ना रखे। अरे हमें बता रहा हूँ, आपके जो आपके पिताजी जैसे उनके बच्चे हैं जो कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब किसी को भी एक बार पहले तो रविशंडे की, आपने रविशंडे जी की उम्र नहीं देखी, आप 21 साल 22 साल के लड़के हैं, सुनिए 21 साल 22 साल के 50 साल, नहीं नहीं गाली वगैरह नहीं दिए, लेकिन शर्मा जी आपने बातें कही ना, उस तरह से बात कर रहा हूँ। शर्मा जी रविशंडे को शादी करने की ऑफर दे दिया 50 साल के आदमी को, शर्मा जी बात ही ऐसे कर दिए। रमेश सर एक सेकंड, मुझे जरा शर्मा जी से बात करने दीजिए। शर्मा जी आप ना स्वयं ही खोज करिए इतिहास का, मेरा आपसे ये निवेदन होगा, अगर अपना करियर चमकाना चाहते हैं तो। अगर देखो कुछ पता नहीं होता, नहीं आपको नहीं पता है तो सुनिए, हम लोग इतना तो हैं कि उम्र में, अनुभव में और ज्ञान बुद्धि में भी आपसे तो जरूर जरूर श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि आयु हमारे पास में है, साथ साथ हमारा अनुभव भी है। अब आपको बहुत सारा चीज अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। आपने कभी भी अकेले में कभी खंडहर में जाकर के भूत खोजा है? नहीं खोजा होगा, लेकिन मैंने वो भी खोजने का कोशिश किया, मुझे कहीं भूत नहीं मिला, जिसके बारे में बहुत ज्यादा फेमस था वो सब खंडहर, पूरे भारत में मशहूर, यहाँ पर भूत पाए जाते हैं। अच्छा, मैंने वहां भी जाकर के, अब सुनो, जब भूत नहीं, सुनो बताता हूँ, जब भूत मनीष बदाम सर को ऐड कर लीजिए आप। जय भीम सर जी, आपने इतना पढ़ा हुआ तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट बेस्ट दर्शन कौन सा, ये बताइए जी। शर्मा जी अगर आप कहोगे ना, सबसे बेस्ट दर्शन है नास्तिकता। सवाल पूछ रहे हैं शर्मा जी, गूगल करके सवाल पूछ रहे हो? अरे सर ये देखिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं उन सर से बात करूंगा। मुझसे बात करने में दिक्कत क्या है? जरा सा कृपया मुझे भी कहने दीजिए। सर मैं कह रहा हूँ, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट दर्शन कौन सा भारत के इतिहास में, बताइएगा। पर देखिए भारत शर्मा जी अंग्रेजों की पेशन बंद हो गई क्या? एक मिनट, भारत में सबसे अच्छा जो दर्शन है ना, वो नास्तिकता है, और ये नास्तिकता सिर्फ बुद्धत्व से आता है और किसी चीज से नहीं। आजीवक भी तो नास्तिक है, आजीवक भी तो नास्तिक है। आजीवक अब देखो, आजीवक का बात यहाँ पर नहीं बोलो, आपने ये बोला ना कि सबसे बढ़िया अगर दर्शन है तो कौन सा है, तो इसमें नास्तिकता, आपने बोला नास्तिकता, और नास्तिकता में अब हाँ जी हाँ बुद्धत्व से ही निकलते, क्योंकि आपने भारत के संदर्भ में पूछा था ना, इसीलिए मैंने आजीवक भी तो भारत का ही है सर, आजीवक भी तो भारत का ही दर्शन है। प्रमाण बताइए भाई, आजीवक एक अलग चीज है, बुद्धत्व एक अलग चीज है। पहले अब इस चीज को तो पहले समझ लो, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणत्व अलग है। सुनो मैं बताता हूँ, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणत्व अलग है, उसी प्रकार से धार्मिक पुस्तकें अलग है, देवी देवता अलग है,
लेकिन देवी देवताओं का जो वर्णन है पुस्तकों में वो सब काल्पनिक है और कुछ नहीं है। आज अगर अगर और एक चीज और बताऊं, जितने भी देवी देवता करके जो गपोड़ ग्रंथ लिखा गया है उन्होंने मानवता की भलाई के लिए कोई ऐसा चीज दे दिया हो आविष्कार जिससे कि भारत की गरीबी मिट गई हो, यहाँ की अविद्या मिट गई हो, यहाँ का दुख तकलीफ मिट गया हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं दिया। अब देखो चार वेद की बात आप पहले करते थे, सुनो यार, चार वेद की बात पहले करते थे, जब इधर से हम लोगों ने ये क्वेश्चन करने लगा कि इसका तो यार कोई उपयोग नहीं है, इसमें लिखी हुई बातों का कोई तो माने मतलब नहीं है, कोई उपयोग भी नहीं है मानव जीवन में, तब आपने उसमें एक भलाई करने के लिए एक आयुर्वेद नाम का एक पांचवा वेद भी घुसाड़ डाला, जो कि वो भी बिल्कुल मानी गलत है। आयुर्वेदिक औषधि का भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है यार, अब सुनो ना यार, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, इसीलिए तो ये इसको क्यों नहीं भारत की सरकार भी पूरी तरह से मान्यता देती है, क्यों इसके लिए आईएमए बराबर इस पर उंगली उठाते रहता है? पता क्यों नहीं देती? नहीं, क्योंकि जो सरकार है वो कैपिटलिस्ट लोगों के अंडर चलती है और कैपिटलिज्म कभी नहीं चाहता कि भारत की संस्कृति उभर के आए, ये सुनिए। नहीं सुन लो, भारत की जो संस्कृति है ना गपोड़ संस्कृति उभर करके आए ये कोई नहीं चाहता। नहीं है सर, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ साइंटिफिकता का जरूरत है, वैज्ञानिकता का जरूरत होता है। अब वैज्ञानिकता का नहीं, कृष्ण परमहंस कहाँ से आते हैं, विवेकानंद कहाँ से आते हैं अगर कपोड़ होता है? देखो यार, समय समय पर बहुत सारे वो प्राचीन इतिहास ने ये प्राचीन, लेकिन उन लोगों ने भी आयुर्वेद आयुर्वेद का और इसका कहाँ संबंध हो रहा आपस में, रामकृष्ण परमहंस का कहा से कहा पे बात जोड़ रहे, कहा से कहीं पे भी बात जोड़ देंगे आप? सर मैं पहले एक मिनट एक बात बता, आयुर्वेद में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। खाने के लिए बताया गया सुश्रुत संहिता में आप खाएंगे लीद? मैं एक बात से डिस्कशन करना चाहता हूँ सर, दो दो पत्ती मत पढ़ो, ये चीटिंग है। शर्मा जी अंग्रेजों की पेमेंट बंद हो गई क्या? चीटिंग चीटिंग कर रहे हो आप लोग, मेरे से कर लो, मेरे से कर लो। रवि जी, रवि जी, हेलो शर्मा जी, रवि जी राहुल में, शर्मा जी हाँ जी बोलो। शर्मा जी अंग्रेजों की पेमेंट बंद हो गई या अभी भी मिल रही है? 60 रुपए या कुछ बढ़ गई अभी? सर एक्चुअली देखिए, फिर आप बोलते हैं गलत बोलता, एक बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, चार बंदे इकट्ठे बोल रहे हैं, फिर कैसे समझ में आएगा? मैं अकेला ही पूछ रहा हूँ सर, बाकी सब खामोश हो गए ना, अभी मैं अकेला ही पूछ रहा हूँ ना सर। एक एक करके बोलो भाई, सारे मत बोलो ना, तो अकेला ही बात कर रहा हूँ भैया। वो अंग्रेजों की पेमेंट बंद हो गई क्या? मैं बोल रहा हूँ क्या अभी भी 60 रुपए मिलती है या कुछ बढ़ गई अभी? सर आप जो बातें कर रहे हैं उनका कोई मतलब सिर पैर नहीं, पता है क्यों सर? इन बातों का इस सदी में कोई रेलिवेंसी नहीं है। नहीं, बाकी लोगों को पेमेंट मिलता है तो आपको अंग्रेज वाला पेमेंट बंद हो गया क्या? अभी भी मिलता है, वो पूछ रहा हूँ मैं। आपको चाहिए क्या? नहीं, आप लोगों को तो हमेशा लगता है ना बटू संस्कार होता है आपका, बटू संस्कार होता है, फिर झोला लेके निकलते हैं आप, एज के 8-9 साल से झोला लेके निकलते हैं, तो एज के 90 साल तक आप झोला ही लेके घूमते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए ना, ये कब बंद होगा आपका झोला लेके घूमना? आप लोग मटेरियलिज्म के पीछे भागने वाले लोग हैं, भारत की जो मिट्टी है ना आदमी को भगवान भगवान बना दे, भगवान भाई साहब, ये भौतिक बात क्या होता है? आप भी तो भौतिक जगत में जी रहे हो मेरे भाई। अरे भौतिक जगत में आप लोग जी रहे हो, जगत में जी रहे हो, अरे हम तो जीच रहे ना, बिना भौतिकता के कोई काम ही नहीं चलता, आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता करना आपकी आपका आपका काम है, हमारा नहीं है। आप नहीं पता जगत में दिखाते ब्रह्म। अब एक आदमी को मैथ समझ में नहीं आता बोलते मैथ बेकार है, ये थोड़ी होता है, कैसे शादी करोगे इसमें मैथ्स और ये कैसा क्या फिट होता है मैथ भौतिक आध्यात्मिक, इसमें आपस में क्या कनेक्शन है भाई साहब? कहाँ से कहाँ उछल रहे हो आप उछल कहा समझ में नहीं आता आपको? अरे हमको बस सीखा भाई, हमको आप हमको मत समझाओ। एक मिनट भाई, जब आपका मैथ करोड़ों साल में रहता है, मुझे आपका मैथ जो है तो करोड़ों साल में रहता है, 1 करोड़ 6-9 लाख, 1 करोड़ 6-9 लाख का आपका वो मैथ रहता है, आपका साइंस जो उसको विमान का रहता है, यहाँ तेजस का विमान नहीं बना पाते आप, इंडिया में तेजस का विमान नहीं बना पाते आप। जीरो किसने दिया? इंडिया ने दिया ना, आर्यभट्ट ने दिया। उसका प्रमाण दो, आर्यभट्ट का शून्य का प्रमाण दीजिए, बोल दिया हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, कोई प्रमाणित है आपके पास? इतिहास नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अरे इतिहास के किस किस पन्ने में लिखा गया उसका प्रमाण दो ना मेरे भाई, किस पन्ने में लिखा है वही लाके बता दो, बस मुंह से इधर से उधर भटकते ना, भ्रमित होते गया, उसको मानते रहेंगे क्या हम?
सारे दुनिया में घूमते रहता है इतिहास में। हेलो, इतिहास में खुद ही लोग किताब लिखते हैं और खुद को वीर लिख देते और बाद में सारी दुनिया उनको वीर बोलने लग जाती, खुद के ही किताब में खुद को वीर लिखते, ऐसा तो आपका इतिहास है, उसके बारे में बताइए कुछ। आप लोगों के आप लोग मतलब ना सामंत वो माफी के खत मिले अच्छा हो गया जी, उसके भी कुछ बोलिए सर। जिस तरह यूरोप में लोग चर्च के शिकार थे ना, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो चर्च की सत्ता को फाड़ कर फेंका था, आप लोग अच्छा, अच्छा, तो वो गैलीलियो की माफी मांगे सर वो चर्च वाले ने, आप कब माफी मांगने वाले? गैलीलियो की माफी मांगे चर्च वाले तो उन्हें आप कब माफी मांगने वाले? इंडिया के लोगों की आप कब माफी मांगने वाले वो बताइए आप। उसमें चर्च के जो पुजारी हैं आपके जो आदर्श है वो तो माफी मांग चुके हैं अंग्रेजों से, तो आप कब माफी मांगने वाले वो बताइए। मैं बता रहा हूँ जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ है उसमें लोग उसमें उन पादरी लोगों की गलती है, जीसस क्राइस्ट की कोई गलती नहीं है, उसी तरह ये कुछ ब्राह्मण लोग। इंडिया की बात कीजिए ना सर, आपकी बात कीजिए ना, उन्होंने माफी मांग ली, आपकी बात कीजिए ना, आप कब माफी मांग रहे हैं? इसमें धर्म की गलती नहीं है, इसमें कुछ गलत लोगों की गलती है, धर्म पूरे धर्म का मांगो ना, आप मांग लो ना, क्या दिक्कत है अपनी पूर्वजों की तरफ से। अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना जिन्होंने किया गलत किया, मैंने थोड़ी किया। हम तो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश पर सवाल उठाते हैं भाई, हम तो पैदाइश पर सवाल उठाते हैं शर्मा जी, वो वर्जिन बर्थ कैसा क्या हो गया बिना पुरुष के संपर्क में आए, सवाल हमारा तो वहाँ पे भी खड़ा होता है। रमेश सर प्लीज मुझे जरा शर्मा जी से बात करने दीजिए ना, नहीं तो वो फिर सब पूरे चैनल पर वो ये आरोप लगाएंगे कि भाई अकेला मैं और बाकी सब मिलकर के तरह तरह का बात करते हैं। नहीं तो वो रवि शिंदे जी से अच्छा शर्मा जी क्योंकि उन्होंने शादी की ऑफर दे दिया ना उनको। नहीं नहीं वो अलग बात है, उसको हटा दीजिए, वो बच्चा है बेचारा बोल दिया, इस तरह से कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अच्छा शर्मा जी अभी आपने अध्यात्म की बात करी थी, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप किसको अध्यात्म करते हैं? अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म मतलब जो मनुष्य को चेतना पे पहुंचाते हैं। नहीं आप इसका 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 अर्थ आप पूरी अच्छी तरह से नहीं आप इसको बता पा रहे हैं, चेतना इत्यादि का बारे में तो खैर बहुत दूर की बात है, आप चेतना को भी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा एक मिनट में बताता हूँ, सुनिए अध्यात्म क्या होता है, आपने क्या बोला जो चेतना का अंदर घुसा दे। नहीं मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैंने जितना मेरे को पता है अध्यात्म माने जो इंद्रियों और मतलब जगत से तुमको ऊपर उठा दे, मतलब छोटी मोटी जो इंसान की डिजायर छोटी मोटी डिजायर्स जो तृष्णा है जो अग्नि रूपी मतलब जो तृष्णा है जो आग है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है इन चीजों से तुमको ऊपर जो उठा देती है चैतन्य एनलाइटेंड कर देती है उसको अध्यात्म कहते हैं। मैं बताऊं एक मिनट सर मुझे बात करने दो, अब आप मुझसे मैं ये पूछता हूं अध्यात्म शब्द आया कहाँ से है, पहले उसका आप संधि विच्छेद करके देखो तभी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अध्यात्म का अर्थ होता है अपना अध्ययन करना, समझे, अपना अध्ययन करना। आप सबसे पहले आप जब अपना अध्ययन करने के लिए जब एकांत में बैठोगे ना तो सबसे पहले यही देखोगे कि इस पृथ्वी पर जैसे अन्य प्राणी मात्र है उसी तरह से मनुष्य भी एक प्राणी मात्र है और उसको उसका घर से कुछ संस्कार दिए जाते हैं, कुछ उसको बातें समझाई जाती हैं, समझे। और वो तो बेचारा बिल्कुल नया बच्चा होता है, उसको तो कुछ पता होता नहीं है कि मैं हूं कौन। आज भी मनुष्य के अंदर में यही बात है डाला हुआ कि पहले तो तुम ही नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं इसको आप कैसे समझेंगे? मैं ब्रह्म हूं। मैं नहीं, ये गपोड़ बात है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, सीधा सा बात है कि मैं भी एक प्राणी मात्र हूं, जिस तरह से गाय भैंस इत्यादि पशु हैं जगत में, उसमें हिस्र पशु भी हैं, कुछ अहिस्र पशु भी हैं, अन्य वनस्पतियां भी है इस जगत सब में ही ब्रह्म का निवास है ना। अब नहीं यार पहले सुनो तो, उसी तरह से हम भी उसी तरह से एक प्राणी मात्र हैं और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ धर्म का चस्पा चढ़ा करके या जाति विशेष का चस्पा हमें किसने चढ़ाया? ये तो प्रकृति ने हमें नहीं दिया था ना, किसी ने दिया और उसने कुछ गपोड़ बातें भी घुसा दी क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आता था कि मैं कौन। मतलब आप मानते हैं ब्रह्म नाम की कोई? लेकिन आप नहीं नहीं वो अलग से वो अपने आप को एक स्पेशल कम्युनिटी मानने लग गया यार, और कोई बात नहीं है, हकीकत में तो वो भी माँ के पेट से जन्म लिया लेकिन वो बोलता है मैं ब्रह्मा के मुख से निकल गया, लेकिन इसका कोई तर्क नहीं है ना।
कोई तर्क बनता नहीं है साइंटिफिकली। आप देख मैं कह रहा हूँ मनुस्मृति को साइड में रखिए ना, अभी जो फिलोसफी बात चल रही है। नहीं, आप कहते फिलोसफी आपके हिसाब से मतलब ओम 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 जो है जो ब्रह्म है मतलब आपने भी आपने बीच में बताया ब्रह्म। देखो मैं बताता हूँ, आपने आप जिस ओम की आप जिस ओम की बात कर रहे हैं सर, मेरा एक सवाल पूछ ली लो क्या? हाँ जी जी शर्मा जी, आपका कोई भगवान अमेरिका में क्यों अवतार नहीं ले यार? कुछ भी एक भी बार तो ले ले, अभी तो ले ले फिलहाल में। एक तो भगवान होता जो आपका अमेरिका में अवतार लेता, क्या सिर्फ पृथ्वी जो पूरी पृथ्वी है उसको सिर्फ इंडिया ही मानता था क्या आपका भगवान? अरे भाई मैं क्या बता रहा हूँ, भारत की जो धरती नहीं, आपके आपके भगवान सिर्फ इंडिया में क्यों अवतार लिया? कहीं जर्मनी में कोई भगवान अवतार लिया है क्या आपका? वहाँ पे भी तो शिवलिंग बनना चाहिए था, उधर बहुत बर्फ गिरती है। भारत की ये भारत की धरती इतनी महान है कि यहाँ का यहाँ पे आदमी को भगवान बना देती है यहाँ की मिट्टी, आप समझ नहीं रहे। यहाँ पे ये बात सही कहा आपने, यहाँ पे ब्राह्मणों को जो है एक स्पेशल भगवान बना दिया जाता है और दूसरे को सूत और कमजोर बना दिया जाता है।